जयपुर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान प्रक्रिया जारी है। राजधानी में कुल 8367 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। मतदान की निगरानी के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसी दौरान ईवीएम वीवीपैट और मतदान केंद्रों पर आ रही तकनीकी खराबी का तुरंत ही निस्तारण किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रदेश का दूसरा चरण चल रहा है। वहीं जयपुर जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की ओर से जो तमाम तैयारियां कर ली गई है, जहां जयपुर निर्वाचन विभाग की ओर से इस जयपुर जिला कलेक्टर परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो यहां पे जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पे जो तमाम प्रकार की जो शिकायतें आ रही है, वहां जो उन शिकायतों का यहां पे निवारण किया जा रहा है। जो तमाम प्रकार की ईवीएम वीवीपैट और अन्य जो आचार संहिता उल्लंघन के जो तमाम मामले आ रहे हैं, उनको लेकर यहां पे कंट्रोल रूम में जो तमाम शिकायतें आ रही है, उनकी यहाँ से इनकी जो दिशा निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। जहाँ तमाम जो समस्याओं का निवारण किया जा रहा है, उसको लेकर भी जो अब तक जो ईवीएम और वीवीपैट की जो समस्याएं आ रही है, उसी के साथ जो आचार संहिता उल्लंघन सहित जो मतदान केंद्रों पर जो तमाम अन्य जो असुविधाएं पैदा हो रही है, उनको लेकर यहाँ पे जो कंट्रोल रूम में शिकायत आती है, उन शिकायतों को यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी लगाए गए हैं वो यहाँ से शिकायतें नोट करते हैं और उन शिकायतों को निवारण के लिए संबंधित आरओ अधिकारी को यहाँ नियुक्त करते हैं। हम जानना चाहेंगे जो यहाँ पे जो कर्मचारी लगाए उनको कि किस प्रकार जो यहाँ पे अब तक जो शिकायतें आई हैं, किस किस प्रकार की शिकायतें हैं और उनका निवारण किस प्रकार किया गया है। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में ज़्यादातर तो ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि कोई बीएलओ है, उसने किसको कोई पर्ची नहीं दी है तो हम वोट डालने जाएं या नहीं जाएं। तो हमने उनको बता दिया कि अगर बीएलओ पर्ची नहीं भी देता है तो भी आपको वोट डालना है और उस बीएलओ के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई होगी वो हमारी तरफ से, हमारी विभाग की तरफ से कर ली जाएगी। एक ये भी कंप्लेंट आई थी कि कोई मतलब जो विद्याधर नगर के शहरी क्षेत्र के जो बोहरा जी हैं, उनको गाड़ी जितनी अलॉट कर रखी है उनसे ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने दारा सिंह जी सर हैं उनको, जो हमारा परिवहन वाला जो संभालते हैं, उनको फ़ोन दिया है, तो उनकी भी जो एक्स्ट्रा गाड़ी थी उनको जब्त कर लिया गया था। या पुलिस कंट्रोल रूम से भी कई कंप्लेंट्स आ रही है, कहीं पे टेंट नहीं है, कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इन सब के लिए जो भी कंप्लेंट्स आ रही है हम उनको जो प्रभारी अधिकारी है उनको सूचित करके और जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करा रहे हैं। ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित भी शिकायतें हैं, उनका किस प्रकार निवारण किया जा रहा है। जैसे मॉक पोलिंग हुई थी उसके दौरान ईवीएम की कंप्लेंट्स आई थी, तो जैसे ही वो कंप्लेंट हमारे पास में आती थी हमने ईवीएम सही के लिए एक अलग से प्रपोस्ट बना रखा है, तो जो भी कंप्लेंट्स आ रही थी हम उनको वहाँ आगे रेफर कर रहे थे। अगर ज़्यादा कंप्लेंट्स थी तो हमने यहाँ से भी वहाँ पर, जैसे बगरू में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी मॉर्निंग से ही, तो वहाँ पर हमने खुद यहाँ के कर्मचारी भेजे और वहाँ पर घंटे डेढ़ घंटे के बीच में वो सारी समस्याएँ हल कर दी गई। और प्रेजेंट टाइम में एक भी ईवीएम की या वीवीपैट की या बीयूएससी की कोई भी कंप्लेंट नहीं है, मतदान बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। देखिए लगातार सही तरीके से मतदान करवाने के लिए जो तमाम जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, इसमें तो शिकायतें आ रही, इसी के साथ साथ कंट्रोल रूम में जो मतदान प्रतिशत हो रहा है उसकी भी तमाम जो जानकारी है वो ली जा रही है। जहां हम जो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कंट्रोल रूम में, जहां पे जो विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जो जो ब्लॉक बना रखे हैं उनके साथ साथ जो मतदान केंद्र है उनकी यहाँ पर सूचना है और जहाँ पर कितने मतदान हो रहे हैं उन सब की जो तमाम जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर ली जा रही है। क्योंकि जो संबंधित जो आर ओ अधिकारी साथ साथ जो कर्मचारी लगाए गए हैं मतदान केंद्रों पर, वो तमाम सूचनाएं यहाँ पर निर्देशित कर रहे हैं और उन सूचनाओं के आधार पर ही यहाँ पर कंट्रोल रूम में कार्य किया जा रहा है। जयपुर से कैमरामैन राम रतन सैनी के साथ लोकेश ओला A1 TV।